राजसमंद जिला मुख्यालय के कांकरोली बस स्टैंड पर राठासन माताजी के सामने आज सुबह सुबह पटाखों की आवाजें हैं, जान नारे जयकारे हैं, बड़ी चहल पहल है। और चहल पहल के कारण तक हम पहुंचेंगे तो कारण एक राजसमंद की एक बहुत पुरानी मांग है। लंबे समय से हम गो भक्तों के माध्यम से अलग अलग दृश्य देखते थे, कभी गौ माता पीड़ा में होती थी, कभी गौ माता संकट में होती थी, कभी ऐसी स्थिति हो जाती थी कि उनको वैकल्पिक साधनों के सहारे सेवा तक पहुंचाया जाता था। मगर एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी जिला मुख्यालय पर गोरथ की, उसकी एक घोषणा हुई है और घोषणा हुई है दिनेश बड़ाला के द्वारा। उनका जन्मदिन भी आ रहा है, बताया जा रहा है, तब तक उस गोरथ का राजसमंद में आना हो जाएगा और उसको लेकर तमाम गो भक्त, तमाम सनातन से जुड़े हुए लोग यहाँ आए हुए हैं। बड़े लंबे समय से ये मांग चल रही थी, ये ख्याल कैसे आया कि इस बार जन्मदिन पर इस एक मांग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जाए, ये मांग पूरी की जाए? नहीं, मेरे सामने कभी ये मांग नहीं आई थी। जैसे जिला मुख्यालय पर लंबे समय से उठ रही थी मेरे पास, जैसे ये मांग हमारे पार्षद महोदय, जो 13-14 पार्षद महोदय और गो भक्त पधारे थे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर गाय एक्सीडेंट से तड़पती है, घंटा दो घंटा सियाणा से आने में लगता है और कहीं वो बाहर गई हुई हो तो उसको उठाने में बहुत तकलीफ होती है। तो मैं प्रभु श्रीनाथ जी, चारभुजा जी की प्रेरणा से एकदम दिमाग में आया कि ये काम अपने को करना चाहिए और मैं माध्यम हूँ, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है और ये काम आगे भी सबको करना चाहिए और गौ भक्तों के साथ हूँ, जो भी होगा मैं तन मन धन से इनके साथ रहूँगा। कब तक आप बताया जा रहा है कि किस तारीख, शायद बताई जा रही है कि किस तारीख तक? ये तो कल या परसों में वो गाड़ी तो लेऊंगा, उसके बाद उसमें टाइम जो भी लगे, लेकिन 10-15 दिन के अंदर अंदर ये पूरा करके इनके तक। इसके आगे संचालन की व्यवस्था क्यों, क्या कैसे क्या रहेगी? ये गो भक्तों ने बताया कि हमारी जो संस्था बनी हुई है उसमें इसको देनी है और वो इसका संचालन करेंगे। आपका जन्मदिन भी आ रहा है, बताया जा रहा है कि जन्मदिन पर भी अन्य अलग अलग तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं, बड़ी लंबी सूची है उन चीज़ों को लेकर भी? नहीं, वो खाना है वहाँ पर, करीबन 10,000 आदमियों का खाना है और मैं आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरा जन्मदिन है और मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप सब वहाँ पर बता रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि लंबे समय से जो एक गो भक्तों की एक मांग चली आ रही थी कि इस प्रकार का एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, मगर उसको लेकर लगातार उनको निराशा का सामना करना पड़ रहा था, तो अब इस एक व्यवस्था के बाद थोड़ी सी उन लोगों को राहत मिल जाएगी? ये तो राहत तो मिलनी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब योग आते हैं, किसी से कुछ भी मांगो, जब योग आते हैं तब अपने आप काम होता है। लेकिन मैं गो भक्तों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे से जब भी काम पड़ेगा और कोई बड़ा काम होगा तो मैं तन मन धन से आपके साथ रहूँगा। और भी लोगों से बात करते हैं, आपको लग रहा है कि एक लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी आज वो मांग पूरी हो गई है? तो बिल्कुल ये काम होगा, बिल्कुल काम जरूर होगा। ये तो क्या, यहाँ सभी जगह का पूरे राजसमंद में कार्य कराते हैं और अब की बार MLA के दावेदार यही है हमारे यहाँ से। तो चीज़ें दावेदारी तक भी पहुंच ही जाती है, हालांकि दिनेश जी का बहुत क्लियर कहना है कि मैं इसका एक निमित्त मात्र हूं और मेरे माध्यम से ये हो रहा है तो इस बात की मुझे खुशी है और चीज़ें वैसे आगे जैसे जैसे बढ़ेगी। जन्मदिन के जो उत्सव है उसका भी आमंत्रण दिया है, मगर आज राजसमंद जिला मुख्यालय की जो तमाम चहल पहल है वो सारी की सारी चीज़ें राजसमंद की एक बड़ी मांग से जुड़ी हुई है और यकीनन गो भक्तों के लिए स्थितियाँ बड़ी सुखद हैं, गो माता के लिए स्थिति बड़ी सुखद है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।